हेलो, क्या आप एक होम बेस्ड बिजनेस की तलाश में हैं? और उसी बिजनेस को ढूंढते हुए आपकी तलाश खत्म हुई है कैंडल मेकिंग के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैंडल मेकिंग का बिजनेस अगर आप लोग होम बेस्ड बिजनेस के रूप में लेना चाहते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग इस बिजनेस को सीरियसली लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखकर हो सकता है कि ये आपकी सोच में और एक परिवर्तन लेकर आ सकता है। हो सकता है ये आपकी सोच को कुछ और फिल्टर कर सकता है, यानी आप कम पैसे में ज्यादा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने कैंडल मेकिंग के बारे में सोचा है तो पांच चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वो पांच चीजें क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैशन। क्या कैंडल मेकिंग आपका पैशन है? यदि आपका आंसर यस है तो इस बिजनेस में आप लोग आइए। लेकिन हाँ, यदि आपने सिंपल यूट्यूब पर देखा 5,000 लगाकर 50,000 रुपए महीना कमाए, अगर ये मोटिवेशनल फैक्टर है आपका, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप इस बिजनेस में बिल्कुल भी मत आइए। क्योंकि अगर आपका पैशन नहीं है, आप लोग इस लाइन में बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, अगर आपका पैशन है तो चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर टू, दैट इज नॉलेज। पैशन तो है, लाइन भी अच्छी है, लेकिन किस तरीके से करेंगे? सेकंड स्टेप, उसके लिए किसी भी अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को करिए। अगर आप लोग यूरोप में हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोग सिखाते हैं, लेकिन यदि आप इंडिया में हैं तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश CSDU में आकर खत्म हो जाती है। तो नॉलेज जरूर ले, क्योंकि इन क्लासेस में आपको हम लोग बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग इस लाइन में आगे आ सकते हैं। सो नंबर थर्ड, मोल्ड्स। नॉलेज लेने के बाद आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके की कैंडल्स बनानी है। क्या आप पिलर कैंडल्स बनाना चाहते हैं या आप लोग वोटिव कैंडल बनाना चाहते हैं? पिलर कैंडल में मास्टरी चाहते हैं या आप लोग फ्लोटिंग कैंडल में अपना नाम कमाना चाहते हैं? आप लोग सेंटेड कैंडल बनाना चाहते हैं या हाउसहोल्ड कैंडल बनाना चाहते हैं? क्योंकि कैंडल की लाइन बहुत बड़ी है और अधिकतर मैंने देखा है, इतने साल हो गए हमें सिखाते हुए, कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके के मोल्ड है। तो ये सब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किस तरीके के क्लाइंट्स को कैटर करना चाहते हैं, तो उसी के अनुरूप आप लोग मोल्ड्स का सिलेक्शन करेंगे। जब एक बार आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मुझे फ्लोटिंग कैंडल में एक्सपर्ट होना है, तो डेफिनेट बात है आप लोग फ्लोटिंग कैंडल्स के मोल्ड्स के ऊपर पैसा लगाएंगे। यहां तक होने के बाद बारी आती है पैकेजिंग की। छोटा सा एग्जांपल, अगर आप लोग हाउसहोल्ड कैंडल बनाना चाहते हैं, फिर आप लोगों को पैकेजिंग के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर आप लोग फ्लोटिंग कैंडल बनाना चाहते हैं, लेकिन फ्लोटिंग कैंडल्स आप इवेंट्स कंपनी में देना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लोगों को पैकेजिंग के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंट्स कंपनी पैकेजिंग के लिए बिल्कुल भी पैसे पे करने को तैयार नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को पैकेजिंग की तरफ बहुत ध्यान देना होगा। और सेम यही केस अगर आप लोग एक्सपोर्ट्स में जाना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों को पैकेजिंग की तरफ बहुत ध्यान देना होगा। यानी अगर आप लोगों ने सोच लिया कि मुझे फ्लोटिंग कैंडल बनानी है और कॉर्पोरेट्स में मुझे सप्लाई करना है, फिर आप लोगों को अच्छे किस्म की पैकेजिंग की तरफ ध्यान देना है। फोर्थ नंबर इज पैकेजिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है।
आप किस सेगमेंट को कैटर करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पैकेजिंग की तरफ जाएंगे। पैकेजिंग आप लोगों का कैंडल के लाइन में कम से कम 2 रुपए से लेकर मैक्सिमम आप लोग 100-200 रुपीज तक का बॉक्स भी बनवा सकते हैं। ये फिर डिपेंड करता है आप लोगों का सेगमेंट कैसा है, आप लोग कैसी कैंडल्स बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग पैकेजिंग की तरफ ध्यान देंगे। तो आप लोगों ने पैशन को देखा, नॉलेज भी आप लोगों को मिल गया, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने मोल्ड्स का सिलेक्शन भी लिया और पैकेजिंग की तरफ भी ध्यान दिया। अब बारी आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग भी आप लोग अपने सेगमेंट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। एग्जाम्पल, यदि आप लोग हाउस होल्ड कैंडल बनाना चाहते हैं फिर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग फ्लोटिंग कैंडल बनाना चाहते हैं और आप लोग कॉर्पोरेट्स में सप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों का फोकस कॉर्पोरेट की तरफ होगा। हो सकता है आप लोग एडवर्टाइजमेंट करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए। आप लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फिर भी आप लोग उन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो कॉर्पोरेट को फोकस करते हैं। इस तरीके की बहुत एग्जीबिशन की इंफॉर्मेशन आप लोगों को गूगल से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और किस्म की हेल्प की जरूरत हो, आप लोग कंफ्यूज हैं लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग क्लिक करें और हमारा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट आपको हेल्प करने में बहुत खुशी महसूस करेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना या इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। थैंक यू।